आज के लेक्चर में हम इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लिमिट 0 टू पाई बाई 2 डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे से कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना है। सो आई इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन, देखो जब मैं कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन लूंगा इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, कोस की पावर 4x अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब हम कोस की पावर 4x को ऊपर लेके आते हैं, सेक में चेंज हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 आपका हो गया सेक की पावर 4x dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और होल स्क्वायर। अब मैं सेक की पावर 4x को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब एक सेक स्क्वायर एक्स को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब हम 10x को t लेट करते हैं, लेट 10x इज इक्वल टू t, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब इसके क्रॉसपोंडिंग इसकी लिमिट भी चेंज होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो देन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो ना इसमें रख दो टेन जीरो जीरो हो जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू कितना आएगा, x के रिप्लेस में पाई बाई 2 रखो टेन पाई बाई 2 इंफिनिटी। तो हमारे पास इसकी लिमिट आ गई 0 टू इंफिनिटी 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू में आ गया dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट इसकी स्टेप क्या होगी, देखो यहां जो टी स्क्वायर है ना इसके मल्टीप्लाई में क्या रहा है बी स्क्वायर, तो आप इसको बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बाकी एज इट इज ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी। अब आप बी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i के इक्वल में 1 अपॉन बी स्क्वायर लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 इंटू बी बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इंटू डी। अब ध्यान से देखो नीचे क्या आ रहा है आपका ए स्क्वायर आ रहा है तो मैं क्या करता हूं ऊपर ए स्क्वायर ऐड कर देता हूं और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ठीक है। मैंने क्या किया ए स्क्वायर को ऐड किया है और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है। अब इन टर्म को अरेंज करते हैं, पहले इन दो को साथ में लिखते हैं बाद में फर्स्ट और लास्ट को लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, पहले इन दो को लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी। अब आपको क्या करना है इसको सेपरेट करना है तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, पहले इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और इसके अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, फिर प्लस
इसको मैं बाहर ले लेता हूं, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर और लिमिट जीरो टू इंफिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें देखो ये कैंसिल हो गया स्क्वेयर से, आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वेयर लिमिट जीरो टू इंफिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर लिमिट जीरो टू इंफिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, इसको मैं आई वन ले लेता हूं और इसको मैं आई टू ले लेता हूं। पहले हम I1 को सोल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन बी स्क्वेयर डी टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, बी स्क्वेयर को कॉमन लेंगे, तो I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वेयर तो पहले से है, बी स्क्वेयर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा डी टी अपॉन ये बी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा जिसको मैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा और प्लस में टी स्क्वायर। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इसको मैं लिख दूंगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन आपका ये होता है। दैट मीन्स I1 के इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4 इंटू 1 अपॉन ए, ए क्या है ए अपॉन बी, बी ऊपर आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की है ए आपका ए अपॉन बी तो बी आपका ऊपर आ जाएगा और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो B से ये क्यूब हो गया, I1 के इक्वल आ गया 1 अपॉन A B की पावर 3। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, तो देखो जब मैं इंफिनिटी पुट करूंगा ना T की रिप्लेस पे तो कंप्लीट इंफिनिटी हो जाएगा, 10 इनवर्स इंफिनिटी, जीरो रखूंगा तो ये कंप्लीट आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, I1 के इक्वल में 1 अपॉन A B क्यूब 10 इनवर्स इंफिनिटी कब होता है पाई बाई टू पर और 10 इनवर्स जीरो जीरो पे होगा तो फाइनली आई वन की इक्वल आ गया पाई अपॉन टू टाइम ए बी क्यू। ठीक है, ये आपका आई वन आ गया। अब स्टूडेंट हम आई टू को सोल्व करते हैं, तो इसको आप नोट करें, मैं पीछे वाले को रफ करता हूं। देखो I2 इज इक्वल टू हमारे पास है b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इसकी जीरो से इंफिनिटी है dt अपॉन a स्क्वेयर प्लस इसको मैं ऐसे लिख देता हूं bt का होल स्क्वेयर और कंप्लीट का होल स्क्वेयर। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर दें, आप क्या करेंगे देखो ये जो बी टी है ना ऐसे मान लो कि ये आपके पास ए स्क्वायर है और प्लस में एक्स स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा था कि जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो आपने एक्स के रिप्लेस पे ए टेन थीटा पुट किया था। सेम अप्रोच आपको यहां अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं यहां से बी टी इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करता हूं। ठीक है, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, t इज इक्वल टू आएगा a अपॉन b tan थीटा, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो t का हो जाएगा dt इज इक्वल टू a अपॉन b tan का बनेगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसकी लिमिट भी चेंज होगी तो when t इज इक्वल टू जीरो, देखो इसमें ही रखो t इज इक्वल टू जीरो रखूंगा ना तो देन थीटा इज इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा। ठीक है,
और t इज इक्वल टू अगर इंफिनिटी रखूंगा तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई टू। ठीक है, ये आपकी लिमिट आ गई। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बनेगा आई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। और देखो डी टी को मैं लिख सकता हूं ए अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी टी को हमने लिखा ए टेन थीटा, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाले को रफ कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके पास क्या आया, ए अपॉन बी को तो बाहर कर दो, तो I2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए अपॉन बी को मैं बाहर लिख देता हूं, ऊपर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और नीचे से देखो क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ही ले लो। देखो ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा, इसका होल स्क्वायर है तो a की पावर 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा क्यूब i2 के इक्वल में आपके पास आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अपॉन में ये हो गया b क्यूब और ये आपका बच गया a क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 2 है, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो ये बनेगा सेक की पावर 4 थीटा। अब ये कैंसिल हो गया, आई टू के इक्वल में आ गया बी क्यू सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए क्यू इंटू बी क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ यहां से बच गया डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले आओ तो आई टू इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू बी क्यूब और लिमिट जीरो से पाई बाई टू, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन पहले कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, I2 के इक्वल में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में a क्यूब b क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 2 को बाहर लिख देता हूं मैं और d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, I2 के इक्वल में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम a क्यूब और b क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा और कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब मैं आगे वाले को रफ कर देता हूं। ठीक है, अब मैं लिमिट पुट करता हूं और इसको सोल्व करता हूं। अपर लिमिट पहले रखेंगे आई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम ए क्यूब और बी क्यूब। देखो यहां मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये बनेगा पाई बाई 2 और प्लस बी, ये हो गया। देखो यहां मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, साइन 2 थीटा है, थीटा के रिप्लेस पे पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई आपका 0 हो गया। तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो पाई बाई 2 प्लस 0 तो ओनली पाई बाई 2 रख लेंगे, 0 रखेंगे तो आपका 0 ही आएगा, तो आगे इसकी कैलकुलेशन 0 हो। तो आई टू इज इक्वल टू आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पाई अपॉन में 2 टू जब 4 ए क्यूब और बी क्यूब, ये मेरे पास आई टू आ गया। ये आपका आई वन है, ये आपका आई टू है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई वन I1 मेरे पास है पाई अपॉन 2 टाइम ए बी क्यूब और प्लस था इसके बीच में I2 पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अपॉन में 4 टाइम ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, एक तो पाई कॉमन ले लो इसमें, दूसरा इसमें आ जाएगा 4 ए क्यूब और बी क्यूब, ये मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहां अपने पास क्या बचेगा, ऊपर आ गया आपका 2 ए स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां आप कॉमन लेंगे तो ऊपर आ गया 2 ए स्क्वायर और प्लस में आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने क्या किया, यहां से पाई अपॉन 4 ए क्यूब और बी क्यूब को कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये आएगा, तो आई के इक्वल में आ गया पाई अपॉन 4 ए क्यूब और बी क्यूब, ये 2 टाइम है, ये आपका 1 टाइम है, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।